नमस्कार दोस्तों, इस शारदीय नवरात्र में आप माँ दुर्गा की संपूर्ण कृपा के भागी बने, इसी आशा के साथ श्री मंदिर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 9 कार्य जिनके द्वारा आप शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए माँ का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोल अम्बे माते की जय। आप सभी भक्तगण इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही काफी है। माँ दुर्गा तो समस्त सृष्टि की माता है, वे जननी है, शक्ति है और निराकार रूप से हम सभी में विद्यमान है। इसलिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो 9 प्रयत्न आपको करने हैं, उनमें आपकी पूर्ण श्रद्धा और आस्था निहित होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम माता को प्रसन्न करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला उपाय, दैनिक व्रत। नवरात्र में माता की साधना का सबसे अच्छा उपाय 9 दिनों तक किया गया दैनिक व्रत है। यह व्रत आपको 9 दिनों तक माँ दुर्गा का अनायास ही स्मरण करवाएगा। क्योंकि व्रत खुद पर संयम रखने का श्रेष्ठ तरीका है, इसलिए नवरात्र में आप अपनी क्षमता अनुसार एक समय भोजन कर सकते हैं। एक समय किए गए भोजन में भी बिना लहसुन और प्याज का सादा भोजन ग्रहण करें। यह माता के प्रति आपके समर्पण को दर्शाता है। दूसरा उपाय है, नित्य दीप प्रज्वलन। व्यस्तता से भरे इस जीवन में हो सकता है कि आप 9 दिनों के लिए माता के समक्ष अखंड ज्योत की स्थापना ना कर पाए, तब भी सुबह शाम अपने तन मन को स्वच्छ करके माँ के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं और अपनी हर त्रुटि के लिए माँ से क्षमा मांगें। तीसरा उपाय, दैनिक पूजा। आप शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन अपने तन मन की शुद्धि के बाद माता की पूजा और आराधना को नियम अनुसार पूरा करें। साथ ही 9 दिनों तक दैनिक पूजा को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। चौथा उपाय, माता को प्रिय सामग्री चढ़ाएं। माता को लाल रंग अति प्रिय है। एक ओर जहां लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर लाल रंग शक्ति और क्रोध का भी द्योतक है। माँ आदि शक्ति में भी यही सब भाव समाहित हैं। इसलिए नवरात्र के दौरान माता को लाल पुष्प, लाल चुनरी, लाल श्रृंगार समर्पित करें। यदि आप अपने घर में धन समृद्धि लाने के रास्तों को खोलना चाहते हैं, तो माँ दुर्गा को कौड़ी और कमल का फूल अर्पित करें। यह देवी को प्रसन्न करने का अचूक उपाय है। पांचवा उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती में चमत्कारिक शक्तियां हैं जो आपको माता के सबसे करीब रखती हैं। इसका पाठ आपके तन मन को पवित्र और एकाग्र करता है और इससे माँ दुर्गा का अनन्य आशीष आपको प्राप्त होता है। नवरात्र के 9 दिनों में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कम एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ एक ही स्थान पर बैठकर एक बार में ही अवश्य पूर्ण करें। छठवां उपाय है, मंत्र उच्चारण। नवरात्र में नित्य पूजा के साथ नरवाण मंत्र ओम ईम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप बहुत ही फलदायी होता है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद पूजा करें और आंखें बंद करके यह जाप शुरू करें। वेदों के अनुसार इस मंत्र के हर एक अक्षर में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वास है, इसलिए इस नरवाण मंत्र का 108 बार उच्चारण करने से आप माता से पूर्णतः जुड़कर माता की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। सातवां उपाय है, कन्या पूजन। शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन अवश्य करें। मान्यताओं के अनुसार 9 कन्याएं 9 देवियों के समान होती हैं और इन्हें भोग लगाना साक्षात माँ को भोग लगाने जैसा है। इसलिए कन्या या कंजक पूजन करके क्षमता के अनुसार इन्हें भेंट देकर विदा करें। आठवां उपाय है, सात्विक आचार। अगर आप पूजा पाठ ना कर पा रहे हो तो माता के लिए अपने आचरण में बदलाव लाएं।
और उस बदलाव को माता जी को समर्पण करें। इन 9 दिनों में अपने मन के सभी तामसिक भावों को छोड़कर सिर्फ शुद्ध विचारों को अपने मन में जगह दें। किसी का दिल ना दुखाएं। काम क्रोध लोभ जैसे भावों को मन में आने ना दें। झूठ ना बोलें और मांस मदिरा का सेवन भी इन दिनों में बिल्कुल ना करें। अनजाने में यदि आपसे यह भूल हो जाती है तो उस व्यक्ति से और माता से अपनी भूल की क्षमा मांगें। 9वां और आखिरी उपाय है, दान है महत्वपूर्ण। इन 9 दिनों में गाय, कुत्ता, पक्षी, भिक्षुक आदि जीवों को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि हर दीन में, हर बच्चे में और हर जीव में माता का वास है। इसलिए किसी भी जरूरतमंद को दान जरूर दें। कपड़े, कंबल और भोजन का दान करने से माता प्रसन्न होती हैं और आपको संतोष और वृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर हम सभी अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकालकर पूर्ण रूप से माता को समर्पित होना चाहते हैं। फिर भी अगर हर उपाय आपके लिए संभव ना हो तो आप अपनी क्षमता से इनमें से कुछ उपाय पूरी श्रद्धा से करके भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि माता के दरबार में सबसे ज्यादा मोल आपकी सेवा भाव, श्रद्धा और आस्था का है। ये कुछ ऐसे प्रयत्न हैं जिनसे माँ दुर्गा आपसे जरूर प्रसन्न होंगी और इस नवरात्र में आपको आरोग्य और ऐश्वर्य फल स्वरूप प्राप्त होगा। तो यह थी नवरात्र से जुड़ी हमारी खास पेशकश। ऐसी ही और जानकारियों के लिए श्री मंदिर से जुड़े रहिए। जय माता दी।